फिलहाल हम लोग जो आपने देखा हम जो शूट कर रहे हैं वो मेरी फिल्म का पोस्टर हो रहा है. तो मेरी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है, मैंने ये लिखी भी है एंड इसका नाम है कम बैक टू मी. तो उसका थोड़ा थ्रिलर हॉरर जॉनर में है इसलिए वो ऐसे 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 वाले लुक्स हो रहे हैं, तो वरना मैं ऐसे नहीं करती हूँ शूट. और फिर बाकी के जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो वो नॉर्मल रिलीज़ वगैरह के लिए, क्योंकि स्टोरी में पहले एकदम ऐसे हॉरर नहीं होती ना, पहले तो जिंदा दिली होती है तो हंसती रहती है, तो वो भी हम शूट करते हैं. अच्छा अक्सर जो एक्ट्रेसेस होती है एक्टर्स भी 3 से 6 महीने के बीच में अपने पोर्टफोलियो अपडेट करते हैं. करेक्ट. अगर कश्मीरा से बात करें तो कितना बिलीव करती है और इस बार कितने गैप के बाद वो फोटोशूट करती है? एक्चुअली इस बार मैं 8 महीने बाद कर रही हूँ क्योंकि मैंने इतना खाया कि मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया था और जिम विम सब बंद था, स्क्वाश खेलना वगैरह सब बंद था. तो अब सब 8 महीने से स्टार्ट किया मैंने और उसके बाद अब पहला वाला ही फोटो सेशन कर रही हूँ. तो दिस इज नाउ आई एम मोर इन शेप. एंजॉय कर रही हूँ. हाँ हाँ. क्या खाना की ये फोटो सेशन? फोटो सेशन. खाना तो देता ही नहीं कोई अब. फोटो सेशन हाँ एंजॉय तो कर रही हूँ क्योंकि इतने महीने बाद कर रही हूँ, प्लस ये मेरी खुद की फिल्म का फोटो सेशन है. इसके पहले मैंने औरों के लिए काम किया, अब मैं खुद के लिए काम कर रही हूँ. हाँ हाँ. कास्टिंग आउट मेरी सेकंड फिल्म है, वो भी मैंने लिखी और डायरेक्ट की है और मैं उसमें एक्टर एक्ट कर रही हूँ. उसमें आयुब खान है मेरे साथ और अयाज खान है एंड वो हमारा बैकड्रॉप फिल्म इंडस्ट्री है. ऑब्वियसली जो सीखा है जो देखा है वो ही करूँगी. तो दैट्स द स्टोरी ऑफ द फिल्म की एक एक्टर की लाइफ कैसी होती है और पूरी एक्टर की लाइफ में क्या क्या होता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, चाहे वो मेल एक्टर हो चाहे वो फीमेल एक्टर हो. तो वो आप कास्टिंग आउट में देखेंगे. कृष्णा का योगदान बहुत है, सपोर्टिव है, मुझे कभी रोकता नहीं काम करने से और कभी आके शूट पे तंग नहीं करता कि ये क्यों पहना, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते, ये क्यों सीन डाला, ऐसा कभी नहीं करता. सो दैट आई थिंक इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट. मैंने बहुत टोका है ना उसको. हाँ कितना बोलता रहता है मेरे बारे में. यस ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत टफ है क्योंकि इसके पहले तो मैं सिर्फ एक्टर थी और किसी ने कट बोला तो अपने वैनिटी वैन में जाके बैठती थी. अब मुझे करना पड़ता है कट बोलने के बाद मैं खड़ी रही. मीन्स पहले 1-2 दिन ऐसा कट खड़ी थी, अरे हो आई हैव टू टेल क्या अच्छा इसके बाद ये शॉट है. तो बहुत बहुत काम करती है, डायरेक्टर्स बहुत काम करते हैं, हमको पता नहीं था. आई नीड टू बी नाइसर टू देम. नहीं नहीं बहुत काम करना पड़ा, इट वॉज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब. ईजी नहीं है लोगों को डायरेक्ट करना, प्लस आपको सब डिपार्टमेंट हैंडल करना पड़ता है बिकॉज द डायरेक्टर इज़ अ कैप्टन ऑफ द शिप. और मैंने तो सिर्फ घर को हैंडल किया और कृष्णा को हैंडल किया, तो फॉर मी इट वॉज अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस बट इट वॉज फन, मज़ा तो आया. यस यस. बट ये शॉर्ट फिल्म 30 मिनट की है तो इसमें मेरी जान निकल गई. ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू डायरेक्ट अ फीचर फिल्म और सम टॉक्स आर ऑल्सो ऑन रिगार्डिंग अ फीचर फिल्म विच यू विल गेट टू नो ऑन द 5th of October. हाँ हाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो तो उसी दिन पता चलेगा कि कौन आता है. लेकिन हमने सबको इनविटेशन भेजा, पूरी इंडस्ट्री को बुलाया है, सारे और सारे लेडी डायरेक्टर्स को भी बुलाया, पूजा भट्ट को बुलाया, तनुजा चंद्रा को बुलाया, जॉडी फॉस्टर को मैं बुलाना चाहती थी बट शी इज़ बिजी इन हॉलीवुड. तो बहुत सारे फीमेल डायरेक्टर्स को भी बुलाया बिकॉज यू नो ऑब्वियसली दिस इज़ अ मैंस जॉब एंड अ वुमन डूइंग इट इज़ अ इंस्पिरेशन टू ऑल वुमेन. एंड अब मुझे लगता है कि अगर कोई वुमेन डायरेक्ट करते तो ऑब्वियसली उसका एक डायरेक्टोरियल यू नो चाहे डेब्यू हो चाहे फिल्म हो एक अलग पॉइंट से आती. तो मैंने इंडस्ट्री में सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो नहीं है फ्रेंड्स सबको बुलाया.
अगर मीडिया को नहीं मानते तो आप आज इधर होते क्या मेरे साथ? ये मेरा फर्स्ट लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं मीडिया को बहुत मानती हूँ. आप ही लोग हमें बनाते हो और आप ही गिराते हो, गिराने के बाद उठाना भी प्लीज. सर ना यहाँ पे ले, यहाँ पे देगा ना. अरे उनको जाने गए मैम, साथ में नहीं.